हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एयरफोर्स के जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। और देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो उसको आप जाकर अभी विजिट कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके परीक्षण परिश्रम का परिणाम था। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन चार में से देखिए क्या होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर यहाँ पे आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी पार्ट राइट है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चोलों के अधीन प्रचलित स्थानीय शासन में समिति के सदस्यता की योग्यता कितनी क्या थी, तो बताना है चार ऑप्शन को देख के। 27 का यहाँ पे आयु संबंधी भी था और भूमि के स्वामित्व संबंधी भी था, शिक्षा संबंधी भी था, तो ये सभी राइट ऑप्शन हैं। चलिए नेक्स्ट दिया गया, 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 5 किलों का निर्माण किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 किलों का निर्माण करवाया था, तो उसका आपको नाम बताना है। चारों ऑप्शन को देख लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका ए पार्ट यहाँ पे अकबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच, ये जो कनाडा के बीच है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच अवस्थित काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो 49वीं समांतर रेखा था, ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये पार्ट यहाँ पे भूकंप मूल हो जाएगा। ठीक है, द्राक्ष कृषि विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर भी आप आया था आपका पेपर में एयरफोर्स में लिख के, ये भी याद रखिएगा, द्राक्ष कृषि। तो विटीकल्चर का क्या होता है आपको ये बताना है। चलिए, तो क्या होगा इसका 31 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो अंगूरों की खेती में विटीकल्चर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 32 नंबर क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा, पहला जमशेदपुर इस्पात उद्योग सही है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग ये भी राइट है, बंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ये भी राइट है आपका, कोयम्बटूर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये आपका गलत है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं पूछा गया था, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट दिया गया 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं, तो आपको बताना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो 33 का जो सी ऑप्शन है, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले जो ग्रह होते हैं वो आपके भीतरी ग्रह होते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के जो बीच जो होते हैं पाए जाने वाले जो ग्रह होते हैं वो आपके वो भीतरी ग्रह उसके अंदर पाए जाते हैं, भीतरी ग्रह होते हैं। चलिए, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका क्या होगा, 34 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ये जो बी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक वैधता दी गई थी, 35 नंबर क्वेश्चन की बात है, राइट ऑप्शन आपका 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट दिया गया, नागरिक समता का आशय है, 36 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका क्या होगा आपका, चलिए चार ऑप्शन को देखिए, राइट ऑप्शन की बात है, कानून के समक्ष क्षमता हो जाएगा, समक्ष क्षमता हो जाएगा। और यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया मूल उद्योगों में नहीं आता है, 37 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट है, प्रतिरक्षा उद्योग हो जाएगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है बताना आपको, 38 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका क्या होगा ए पार्ट यहाँ पे, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य घटाना, यहाँ पर ए पार्ट राइट है। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन दिया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न, जो इको होता है प्रतिध्वनि कहते हैं, उत्पन्न करती हैं। चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट राइट है। नेक्स्ट है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को, बताइए क्या होगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको क्या होता है, जो डायोड वह युक्ति होती है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, और अमीटर क्या होता है आपका धारा मापता है। ठीक है,
ये भी याद होगा, तो एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। चूना पत्थर जो लाइम स्टोन होता है उसका रासायनिक नाम पूछा गया है चूना पत्थर का, 41 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाइरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है, तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन, वाटर गैस जो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका क्या होगा, ए पार्ट राइट है, CO प्लस H2O का होता है वाटर गैस, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका क्या होगा देखिए, जब कोई पक्षी होता है, ठीक है, आकाश में जब उड़ता है, ऊपर आकाश में जब उड़ता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, या स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों, या केवल दाब ऊर्जा होती है, तो 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा देखिए, वो आकाश, देखिए आकाश में जो मोशन कर रहा होता है उसका कारण के कारण उसकी गति ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो जिस स्थिति में होता है वहाँ पे, तो उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाती है, तो वहाँ पे गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों मिलती है, तो देखिए जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसमें स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। ये देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है पूछा गया है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वास्तविक मछली आपकी फ्लाइंग फिश है, इलेक्ट्रो फिश, इलेक्ट्रोलिक फिश है, डॉग फिश है, सिल्वर फिश आपकी नहीं होती, वास्तविक मछली नहीं है, तो वैसे राइट ऑप्शन की बात है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा, 45 का यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, ठीक है, ले लीजिए अब। चलिए नेक्स्ट है, एक वर्णांध जो होता है व्यक्ति में से किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो वो हरे और लाल रंग को नहीं पहचान पाता है, क्षमता नहीं होती पहचानने की, ठीक है, जो वर्णांध व्यक्ति होता है। चलिए तो यहाँ पे आपका हरे और लाल की, ठीक है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरक होता है वो आपका तना होता है, ध्यान रखिएगा, और जड़ नहीं है, क्योंकि इसका कारण अभी इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है, तो उसका कारण होता है कि जो पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, इसलिए वो तना होता है ना कि जड़ होता है, पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, ए पार्ट राइट है, ठीक है। चलिए तो बी इसका राइट था, इसका ए पार्ट राइट था, इसलिए जड़ नहीं होता क्योंकि इसमें पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती है, इसका कारण तना होता है, इसलिए तना होता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फैलोपियन ट्यूब निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो बताइए, 48 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट है, अंडावाहिनी हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, संगलक बनाने हेतु तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में होना चाहिए, 49 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका सी पार्ट राइट है वैसे, ठीक है, सी पार्ट न्यून प्रतिरोधकता न्यून गणनाक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहली महिला कौन थी, तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से